दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर जिया शंकर ने ऐसी गंदी हरकत कर डाली है जिसको लेकर के फैंस काफी ज्यादा गालियां देंगे जिया को, क्योंकि दोस्तों जिया शंकर ने यहां पर मनीषा रानी और उनके दोस्तों को टट्टी खाने वाला बता दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि रात के समय है और यहाँ पर मनीषा रानी और आशिका अपने लिए कपकेक बना रहे थे। वो सोचे क्यों ना कपकेक बनाकर हम सब खाएंगे, एलविस को भी खिला देंगे और अभिषेक को भी खिला देंगे। इस दौरान आशिका और मनीषा ने जेड हदीद से कपकेक की रेसिपी पूछी और बनाने लगे। और इन सभी के बारे में यहाँ पर जिया शंकर जो कि बेडरूम एरिया में फलक के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी और वो कह रही थी कि वो लोग कपकेक बना रहे हैं लेकिन मेरे से रेसिपी नहीं पूछी और उस जेड से पूछ रहे हैं, घटिया सा बनाएंगे देखना। और इसके बाद में जिया ने कहा कि तू रुक, मैं अभी देख के आती हूँ। जिसके बाद जिया शंकर अपनी पानी की बोतल भरने के बहाने किचन एरिया में जाती है और वहाँ पर देखकर पूछने लगती है कि तुम लोग क्या बना रहे हो। और इस दौरान दोस्तों यहाँ पर आशिका और मनीषा बताते हैं कि हम तो कपकेक बना रहे हैं और जिया अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहती है कि ओ अच्छा कपकेक बन रहा है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेबी गर्ल जिया को कहती है कि ये लोग तेर से रेसिपी नहीं पूछेंगे क्योंकि अगर तेर से रेसिपी पूछ लेंगे ना तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। और ये सुनकर यहाँ पर आशिका कहती है कि अच्छा कपकेक की रेसिपी आपकी है क्या जिया जी, तो आप बता दीजिए जिया आप कैसे बनाते हैं कपकेक, हमें भी बता दीजिए, हम भी बना लें। लेकिन जिया कहती है कि मैं क्यों बताऊं भाई, मेरे को तो तुम लोग वेस्टेज समझते हो ना, मैं तो नहीं बताने वाली। और इतना कहते हुए वो घर के अंदर वापस चली जाती है और फलक के पास में लेट जाती है। और इस दौरान दोस्तों वो फलक के पास बैठकर कहती है कि वो लोग कपकेक बना रहे हैं और ऐसा गंदा सा कपकेक बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें उल्टी कर दी हो जैसा, इतना घटिया सा कपकेक है। और दोस्तों यहाँ पर जिया शंकर ने हद तो तब कर दी जब उसने मनीषा रानी के लिए कह दिया कि वो क्या घंटा कपकेक बनाएंगे, वो लिट्टी चौका वाले हैं, लिट्टी चौका ही बनाते रहेंगे। अब दोस्तों इस बात का मतलब आप जान सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मनीषा रानी को ताना मारा गया है। ये फैंस को समझने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी और जिया शंकर को इन्हीं हरकतों के कारण यहाँ पर उनको नागिन कहा जाता है। वहीं दोस्तों इसके बाद में भी यहाँ इनकी बातें नहीं रुकी। इसके बाद में फलकनाज को सुनाते हुए जिया ने कहा कि इन लोगों की टट्टी खाने की आदत है, ये लोग तो टट्टी ही खाएंगे, डंकी चीज नहीं खाएंगे। वहीं इसके बाद में ये लोग गार्डन एरिया में आ गए जहाँ पर अविनाश भी इनमें शामिल हो गया। और इस दौरान दोस्तों अविनाश ने भी कह दिया कि अभी तो उल्टा सीधा वो कपकेक बनाकर खा रहे हैं सब लोग, फिर रात को बेडरूम में जोर जोर से पा देंगे, पूरा सड़ा देंगे साले। जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी बातें हुई है आधी रात के समय। ये तीनों लोग अब पूरी तरीके से गंदगी पे उतर आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी गंदी हरकतों पर, अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।